यूपी में आती के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद से ही यूपी में हो रहे इस एनकाउंटर ट्रेंड की बहुत चर्चा हो रही है। तो आज हम बात करेंगे उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बारे में जिन्होंने असद और विकास दुबे जैसे माफियाओं का एनकाउंटर किया है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं उन अफसरों से जिन्होंने असद और गुलाम का एनकाउंटर किया है। सबसे पहला नाम आता है SSP STF आनंद देव तिवारी का। उत्तर प्रदेश पुलिस में इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। आनंद देव STF में रहते हुए अब तक 150 एनकाउंटर कर चुके हैं और 40 से ज्यादा एनकाउंटर को खुद उन्होंने लीड किया है। आनंद को पहचान बिकरू कांड के बाद मिली, हालांकि इन्हें 23 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। पुलिस बलों को मारने वाले ठोकिया गैंग के लीडर ददुआ के एनकाउंटर में भी आनंद देव शामिल थे। आनंद देव को भी कई बार वीरता पुरस्कार मिल चुका है। फिर दूसरे नंबर पर हैं ADG STF अमिताभ यश। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के हेड ADG अमिताभ यश भी अतीक को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। उमेश पाल की हत्या के बाद यूपी सरकार ने STF को ही जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। अमिताभ यश ने अब तक 150 से ज्यादा बदमाशों का एनकाउंटर किया है। 2007 में अमिताभ उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब यश ने ददुआ जैसे डकैतों को भी मार गिराया था। यश की टीम ने ही ऑपरेशन ठोकिया किया था। इसके बाद विकास दुबे कांड की कमान भी अमिताभ को ही मिली थी। आनंद देव तिवारी और अमिताभ ने साथ मिलकर ऑपरेशन ठोकिया और ददुआ को निपटाया था। इसके बाद आते हैं कलेक्टर प्रयागराज संजय खत्री। खत्री यूपी कैडर के 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं। DM के रूप में खत्री की पहली पोस्टिंग गाजीपुर में हुई थी, जो काफी विवादित रही। उस वक्त खत्री से तंग आकर सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा देने की धमकी भी दे दी थी। खत्री मायावती सरकार के समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने जालौन में खनन सिंडिकेट पर छापेमारी की थी। ये सिंडिकेट सीधे पोंटी चड्डा से जुड़ा हुआ था। उसके बाद नाम आता है नवनीत सिकेरा का। क्या आपने भोकाल 2 देखी है? ये एक वेब सीरीज है जो नवनीत सिकेरा के ऊपर ही बनी है। सिकेरा ने अपने अब तक के करियर में 60 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। देश के बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में इनका नाम शामिल है। फिर आते हैं सीनियर IPS अफसर प्रशांत कुमार। प्रशांत के एनकाउंटर्स की गिनती 300 से भी ज्यादा है। प्रशांत ने लगभग 175 अपराधियों को ढेर किया है और 2000 से ज्यादा अपराधियों को जेल पहुंचाया है। अनिल दुजौना, सुंदर भाटी, विक्की त्यागी या सबीर गैंग में शायद ही ऐसा कोई गैंग होगा जिसके 4-5 गुर्गों को प्रशांत कुमार या उनकी टीम ने ठिकाने न लगाया हो। तो असद और उसके शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद से ये वो अफसर हैं जिनके नाम कुछ ज्यादा ही चर्चे में आ गए हैं। ये वो अफसर है जिनका नाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिस्ट में शामिल है। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।